भिवंडी शहर में दूसरे राज्यों से कारों में गोवंश को जबरन भरकर लाने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही हैं, किंतु गोवंश की तस्करी पर भिवंडी पुलिस पूरी तरह से अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। आज सुबह एक चवेरा कार से 3 जिंदा गाय की तस्करी करने की घटना शेलर नदी नाके पर घटी हुई है। इन गायों को गुजरात राज्य से लाने का अंदाजा जताया जा रहा है, क्योंकि जब गाड़ी से पुलिस ने कई नंबर प्लेट जब्त किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बजरंग दल के कार्यकर्ता दादा गोस्वामी और उनके समर्थक तथा कार्यकर्ताओं ने भिवंडी ग्रामीण पुलिस के सहयोग से शेलार नाका नदी नाका पर लगाए गए नाकाबंदी में एक टवेरा कार से 3 जिंदा गायों को बरामद किया है। पुलिस की नाकाबंदी को देखते हुए गाड़ी में बैठे लोगों ने गाड़ी से कूदकर भाग निकले। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी लेनी शुरू की तो मालूम पड़ा कि टवेरा कार में सीटों को फेर बदल कर 3 गायों को अंदर जबरन बांध कर रखा गया था। बाजार में इन गायों की कीमत लगभग 32,000 रुपये बताई जा रही है। इस तस्करी के मामले में पुलिस ने अब्दुल्ला मौला शेख निवासी नवी बस्ती गुड्डू नदीम जमील व गाड़ी चालक व मालक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पर जब टवेरा कार से 3 मोबाइल अब्दुल्ला मौला शेख के नाम पर गाड़ी पैन कार्ड इलेक्शन कार्ड आदि पहचान पत्र के साथ 4 नंबर प्लेट भारी संख्या में बेहोशी के इंजेक्शन स्टील रॉड और पत्थरों से भरी थैली बरामद की गई है। वहीं 3 गायों को आनगांव के गौशाला में भेज दिया गया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।